तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के मैं आपके विषय पर फिर आ जाऊंगा। आपने जो कहा क्यों होता है, वो उसमें अंतर्मुखी न होने का कारण या ईश्वर के अंदर एक दूसरे के अंदर न समाने का कारण एक है। जब तक दो रहेंगे, द्वैत रहेंगे, वो ठीक है कि सामने देख रहे हैं, जैसे कि अर्जुन, जैसे कि उद्धव, ठीक है, और इनसे बड़े और कृष्ण में निकटता यानी नज़दीकी क्या होगी, ठीक है। अर्जुन तो साथ ही रहते थे, उद्धव तो उनके भक्त ही थे, ठीक। अब आ जाएं, जीव का चित्त जब गुणों की विषमावस्था में है, अर्थात जब उसके चित्त में क्रिया हो रही है, गुण तीन गुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण का स्वभाव है हमेशा चंचल, कभी रुक नहीं सकता। आप देख लीजिए, चाहे आप सो रहे हो तो चंचल रहेगा, यानी क्रिया हो रही। चित्त में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक बहिर्मुखी क्रिया, एक अंतर्मुखी क्रिया। गुणों की यानी चित्त में गुणों की दो प्रकार की क्रिया हो रही है, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। पहले बहिर्मुखी, मैं आपका ही प्रश्न का उत्तर है, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जब क्रिया होती है, यानी हो ही रही, कभी शुरुआत से लेकर ब्रह्म से उत्पन्न हुए और अंत तक यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते तब तक बहिर्मुखी क्रिया होती रहती है, तो जो एक निरुद्धावस्था में ठहर जाती है बहिर्मुखी। क्या होता है, बहिर्मुखी क्रिया से जो चित्त में स्थित वृत्तियाँ होती हैं वो बाहर की ओर निकल रही हैं। बहिर्मुखी क्रिया अर्थात वृत्तियों में क्रिया हो रही है, क्योंकि चित्त, मैंने पहले कहा, ये अपराप्रकृत आकाश तत्व में अधिष्ठित होकर के वायु तत्व के द्वारा अपना सृजन करती है, अर्थात किससे, वायु तत्व के द्वारा, और वायु तत्व का स्वभाव है कंपन, और चित्त का जो संरचना है बिल्कुल वैसी है। पहले बताए जो अपरा प्रकृति है वही जीवों का चित्त है, तो अपरा प्रकृति यानी जीवों का चित्त भी जो उसकी संरचना हुई है वायु तत्व की प्रधानता के द्वारा हुई है, आकाश तत्व में अधिष्ठित होकर के। जब जिसकी संरचना ही वायु तत्व के द्वारा हुई हो और तो उसमें तो कंपन होगा ही, उसे कोई क्या, वो खुद नहीं रोक सकता है, ठीक। तो जब उसमें कंपन होता, कंपन ठीक है, तो उसमें स्थित कर्माशय संस्कार उसमें कंपन होता, कंपन होते से बहिर्मुखी होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए जब मन नहीं कहते ध्यान करो तो कहते मन बाहर भागता या थोड़ी देर ठहरता, ठीक है, वो कंपन होने के कारण बाहर होता रहता है, और मन तो कभी एक जगह जब रोका ही नहीं तो क्या रुकेगा, फिर अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे रुकने लगता है, क्रिया धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए ठहरने लगती है, तो चित्त में ये बहिर्मुखता बनी रहती है। और जिस समय ये बहिर्मुखता धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ना के बराबर पहुंच जाती है, उसे कहते हैं निरुद्धावस्था। प्रत्येक अभ्यासी को निरुद्धावस्था को प्राप्त करना चाहिए, इसके तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात एक दूसरे में समाएंगे। प्राप्ति का मतलब एक दूसरे में समा जाने को मैं कह रहा हूँ, आमने सामने को नहीं कह रहा हूँ। अगर आमने सामने को होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते, मैं तुम्हारी बुआ का लड़का जरूर हूँ, मैं तुम्हारा सारथी जरूर हूँ, मैं तुम्हारा मित्र जरूर हूँ, मगर तुमने मुझे प्राप्त नहीं किया। यही उद्धव से कहा, भद्रका आश्रम में जाओ, अर्थ स्वरूप से भजो, गीता में कुछ लिखा हुआ अर्थ स्वरूप से, ठीक है, क्या समझ गए। जब एक दूसरे में समा जाते हैं, और समाएंगे कब, जब हमारे चित्त के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, चित्त अत्यंत निर्मल होगा। चित्त अत्यंत निर्मल कब होगा, जब रितंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होगा, और रितंभरा प्रज्ञा क्या है, सत्य को भरने वाली, ऐसा ज्ञान जो सत्य को भर दे, यानी चित्त में ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप से फैल जाए, और वो ज्ञान का प्रकाश अज्ञान का दुश्मन होता है, ठीक है। रितंभरा प्रज्ञा अज्ञान की दुश्मन है, जैसे प्रकट होती धीरे 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 अपना काम करती, एकदम नहीं होता। मैं अपनी प्रत्यक्ष बात, 18 साल हो गए, तीसरी किताब देख लो मेरी कब हुई थी, और धीरे धीरे वर्णन भी किया, अगर मैं उसका वर्णन ज़्यादा करता तो ये कितनी मोटी किताब और हो जाती, इसलिए संक्षेप में वर्णन किया 20-30 पेज में,
ठीक है। या ये जो क्रिया होती है रितंभरा प्रज्ञा के पूर्ण रूप से, या चित्त पर जो ज्ञान का पूर्ण रूप से फैलाव होता है, ये बहुत कई सालों के अभ्यास से होता है। मगर मैंने कहा कुछ संत ऐसे हो गए जो किसी की जल्दी हो गई, किसी की 45 साल तक हो गई, मैं 18 साल से लगा हुआ हूँ, अब भी थोड़ा कम। हमारे लंकड़ जी कहते थे ये करो वो करो, मैं अब बोले ना दीदी बैठी हुई, जब तक मैं सभी को त्याग नहीं दूंगा तब तक मुझे सर्वोच्च अवस्था प्राप्त नहीं होगी। मैं भी भले ही मैंने उच्चतम अवस्था प्राप्त की हो फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी है। तो कहने का मतलब, जब चित्त की जो बाहरी परिणाम हो रहा है, जब तक वो यानी वृत्तियाँ रहेंगी तब तक परिणाम होगा, ठीक है, जो वाह है। और ये वाह परिणाम जब रुक जाएगा चित्त अंतर्मुखी हो जाएगा, यानी ईश्वर के चित्त में, या मोक्ष उतनी देर के लिए मोक्ष जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.